सो हेलो पीपल दिस इज योर चैनल सी टी वी एंड पिछले बारह क्वेश्चन करने के बाद अब हम प्रोसीड करते हैं थर्टीन क्वेश्चन से मैं रिमाइंड करा दूँ कि इस चैप्टर में अराउंड ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है एंड इसके पहले दो वीडियोज़ आए थे अराउंड थर्टी थर्टी मिनट्स के एंड उसके उसके थ्रू हमने उस एक घंटे में हमने ट्वेल्व क्वेश्चन कवर किए हैं लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्टी ओके सो मिस्टर अतुल इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ए बी सी लिमिटेड तो जो अतुल है पर्सन तो वो एम्प्लॉय है अतुल जो पर्सन है वो एक एम्प्लॉय है ए बी सी लिमिटेड का एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम अंडर द प्रोजर्स ऑफ कंपनी कंपनी एक्ट द दॉन्ट टू टर्मिनेट द एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम अब सिंस इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रहा है तो कंपनी टू टर्मिनेट द एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम दे हैव द एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर टर्मिनेशन कंपनी हैज़ नॉट रिसिव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द ट्रिब्यूनल विद इन थर्टी डेज ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन और कंपनी को ट्रिब्यूनल से कोई एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड नहीं मिला कोई रिप्लाई नहीं मिला द कंपनी कंसिडर्ड इट एज डीम्ड अप्रूवल और अब कंपनी कंसिडर कर रही है कि तीस दिन में जब रिवर्ट ही नहीं आया है तो कंपनी ने डीम्ड अप्रूवल कंसिडर कर दी है क्या कंटेंशन ऑफ कंपनी वैलिड है तो सबसे पहले सेक्शन टू वन एट अगर देखा जाए तो टू वन एट सेविंग्स प्रोवाइड करता है सेविंग मतलब वो सेव करता है एम्प्लॉय को कि जो एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तो दोनों चीज़ें कवर है तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम पाँच तरीके के इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तो उस केस में अगर एम्प्लॉय के ऊपर चल रहा है ठीक है प्रोसीडिंग्स चल रही है तो ऐसे केस में कंपनी को अगर एम्प्लॉय को रिमूव करना है तो सबसे पहले उसको ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल को अगर सेटिसफेक्शन क्रिएट होगा तब जाके ट्रिब्यूनल यूनिटरी यूनिलेट्रिली मतलब बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर बिना डिस्कस करे ठीक है वो तीस दिन के अंदर रिवर्ट कर देगी और रिवर्ट कर देगी क्या रिवर्ट करेगी कि इसको रिमूव मत करो ये तीस दिन के अंदर ट्रिब्यूनल बताएगी और अगर कभी तीस दिन के अंदर नहीं बताया तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये डीम्ड अप्रूवल है तो ट्रिब्यूनल जो है वो तीस दिन में रिस्पॉन्ड करती है या तो वो ऑब्जेक्ट करेगी या तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगी तो जैसा कि मैंने पहला बोला था कि तीस दिन में ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्ड करती है बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट गिवन करे और यूनि या तो ऑब्जेक्ट करेगी या तो नहीं करेगी अगर रिमूवल के लिए जो एप्लीकेशन दी कंपनी ने और ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन क्रिएट करा है तो ऐसे केस में तो ठीक है ऐसे केस में तो फिर रिमूवल नहीं होगा बट कल को उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा तीस दिन के अंदर तो ये मान लिया जाता है कि ट्रिब्यूनल ने अप्रूव करा है रिमूवल तो फिर ऐसे केस में जो कंपनी है वो पनिशमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है फॉर और पनिशमेंट ऑर्डर में डिसमिसल सस्पेंशन रिडक्शन ऑफ रैंक चेंज इन टर्म्स मतलब कि या तो डिसमिस कर देंगे एम्प्लॉय को या सस्पेंड कर देगी एम्प्लॉय को रिडक्शन इन रैंक चेंज इन टर्म्स ये सब हो सकता है अब ऐसे केस में अगर एम्प्लॉय को रिमूव करा गया है ठीक है अगर एम्प्लॉय को रिमूव करा गया है तो ऐसे केस में अगर ट्रिब्यूनल से पर्सन एग्रीव्ड है कंपनी अगर ट्रिब्यूनल से अग्रीवड है कि ट्रिब्यूनल ने रोक दिया कंपनी को कि भाई कंपनी तुम नहीं कर सकते तुम रिमूव नहीं कर सकते अगर तीस दिन के अंदर रोक दिया तो ऐसे केस में जो है कंपनी अपील कर सकती है अपीलेट ट्रिब्यूनल में थर्टी डेज में और अपीलेट ट्रिब्यूनल से अग्रीवड है तो सिक्सटी डेज में सेक्शन फोर ट्वेंटी थ्री बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील अपील कर सकते हो तो ये जो अपील का प्रोविजन है ना ये कंपनी के लिए अपलिकेबल है मीन्स कि कल को ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन दे दिया तीस दिन में क्या तुम रिमूव नहीं कर सकते तो कंपनी अपील कर सकती है पर ट्रिब्यूनल ने कभी तीस दिन के अंदर बोल दिया कि यार कंपनी चलेगा तुम रिमूव कर सकते हो तो ऐसे केस में तो इम्प्लॉयी अग्रीवड हो जाएगा पर तो तो जब इम्प्लॉयी अग्रीवड होगा तो ऐसे केस में इम्प्लॉय अपील नहीं कर सकता एम्प्लॉय अपील नहीं कर सकता बट हाँ अगर उसको रिलीफ क्लेम करना है तो वो रिलीफ क्लेम कर सकता है एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में रिलीफ क्लेम कर सकता है सो इफ़ द कंटेंशन ऑफ अ कंपनी इज बिंग वैलिड अगर ट्रिब्यूनल का रिस्पॉन्स अगर नहीं आया है तीस दिन के अंदर तो क्या कंटेंशन ऑफ कंपनी बिंग वैलिड तो हाँ ये डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है वॉट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर अतुल अब मिस्टर अतुल को क्या रेमेडी है अब इधर अतुल अपील में तो नहीं जा सकता पर अपील अतुल जो है वो क्लेम कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में रिलीफ रिलीफ अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको अपन चेक करेंगे कि अतुल क्या रिलीफ क्लेम कर सकता है और थर्ड है अवेलेबल टू अतुल इफ रिप्लाई जो है ऑफ ट्रिब्यूनल हैज बिन रिसीव विद इन थर्टी डेज ऑफ एप्लीकेशन अगर तीस दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है तो क्या रेमेडी अप्लीकेबल अवेलेबल होगी अतुल को देखते अब इसका आंसर क्या है सो so, सबसे पहले सेक्शन टू वन एट की बात आती है प्रोवाइड प्रोवाइडेड इफ ड्यूरिंग द कोर्स सेक्शन टू वन एट क्या बोलता है सबसे टू हंड बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्लॉयज़ वो इंप्लॉय को प्रोटेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेक्शन टू हंड ऑफ कंपनीड इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सच कंपनी प्रपोज टू डिस्चार्ज और सस्पेंड इम्प्लॉय कंपनी चाहती है कि उसको डिस्चार्ज करो और एम्प्लॉय को सस्पेंड करो एंड कंपनी प्रपोज टू डिस्चार्ज और प्रपोज टू सस्पेंड एम्प्लॉय तो डिस्चार्ज कर दो इम्प्लॉय को या सस्पेंड कर दो एम्प्लॉय को और टू पनिश हिम वेदर बाय डिसमिजल रिमूवल रिडक्शन इन रैंक और अदरवाइज डिस्चार्ज करो सस्पेंड कर दो रिमूव करो रिडक्शन इन रैंक करो और अदरवाइज और चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आप एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स को चेंज कर दो टू हिज डिस एडवाटेज द कंपनी शैल ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल अगर कंपनी को ये कंपनी प्रपोज कर रही है ठीक है कि डिस्चार्ज करना है सस्पेंड करना है रिमूवल करना है रिडक्शन इन रैंक करना है चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना है तो कंपनी को शेल ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल इन द सेक्शन प्रपोज अगेंस्ट द एम्प्लॉय इफ ट्रिब्यूनल हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू टू द एक्शन प्रपोज इट शेल सेंड पोस्ट नोटिस देयर ऑफ इन राइटिंग टू द कंपनी अगर ऑब्जेक्शन होगा तो तीस दिन में बता दिया जाएगा सेक्शन टू एटीन अगर कंपनी डज नॉट रिसीव विद इन थर्टी डेज ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल देन 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 ऑन एंड कंपनी मे प्रोसीड टू टेक अगेंस्ट द एक्शन प्रपोज अगर ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया है तो ऐसे केस में कंपनी प्रोसीड कर सकती है जो हमने बात करी थी सेक्शन टू एटीन थ्री एंड टू हंड एड फोर इफ कंपनी और पर्सन कंसर्न इज दिस इज दिस डिसाइड विद द ऑब्जेक्शन रेज बाय द ट्रिब्यूनल अगर तीस दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेस कर दिया और कंपनी और पर्सन कंसर्न कंपनी या पर्सन जो कंसर्न है वो डिससेटिस्फाइड है विद दी ऑब्जेक्शन रेस्ड बाय द ट्रिब्यूनल इट मे विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज थर्टी डेज़ के पीरियड में विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज ऑफ द रिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन वो अपील प्रेफर करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल को सच मैनर और फी पे करके एज में भी प्रिस्क्राइब डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग ऑन द ट्रिब्यूनल अब सिंस डिसीजन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल का फाइनल और बाइंडिंग होगा सेक्शन फोर ट्वेंटी थ्री में आप अपील कर सकते हो टू तो द सुप्रीम कोर्ट बट ठीक है इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो ट्रिब्यूनल का जो है डिसीजन वो फाइनल और बाइंडिंग होगा ठीक है ऑन द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन कंसर्न के ऊपर इन द प्रेजेंट केस तो पूरी बात हो गई है अप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दो सौ अठारह फॉलोइंग कंक्लूजन में बी ड्रॉन सबसे पहले हमने पहले यही बोला था कि जो कंटेंशन है वो तो वैलिड है तो कंटेंशन ऑफ कंपनी इज वैलिड इन द लॉ कंपनी कैन कंसिडर इट एज डीम्ड अप्रूवल अब क्या था कि क्या रेमेडी अवेलेबल है अतुल को तो अतुल हैज नो रेमेडी बिकॉज अपील कैन बी मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील अतुल हैज नो रेमेडी सबसे पहले तो अतुल को कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि अपील कैन बी मेड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल ओनली अपील अपीले ट्रिब्यूनल को तभी क्या जा सक uh, कर सकते हैं इफ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्शन रेज बाई द अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिमूवल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्शन रेज करा है तो अगर उसने ऑब्जेक्शन करा है बाय ऑर्डर तो उसके रिस्पेक्ट में तो ऐसे केस में अग्रीव पर्सन तो कंपनी ही होगी अगर मेरे को रिमूव करना है और कर ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन रेस कराया कि भाई तू रिमूव नहीं कर सकता तो एम्प्लॉय को क्या लेना देना एम्प्लॉय को तो अच्छा ही है ना वो तो कंपनी एग्रीव्ड है या पर्सन कंसर्न एग्रीव्ड है तो अतुल को कोई रेमेडी नहीं है बिकॉज अपील कैन बी मेड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल ओनली इफ द पर्सन इज डिससेटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्शन बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल बट इन द गिवन केस देर इज नो रिप्लाई फ्रॉम द अपीलेट ट्रिब्यूनल अब इधर इधर ट्रिब्यूनल से कोई रिप्लाई आया नहीं सो so, इधर हमको अब समझना पड़ेगा कि अगर ट्रिब्यूनल तीस दिन में रिप्लाई देती है रिप्लाई में अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करती है तो आप अपील कर दो तो कंपनी और कंसर्न पर्सन अपील कर सकता है रिप्लाई में अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है मीन्स कंपनी रिमूव कर सकती है जब ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया है तो कंपनी रिमूव कर सकती है तो ऐसे केस में इम्प्लॉय को कोई सेविंग नहीं है और इम्प्लॉय अपील नहीं कर सकता पर कभी रिप्लाई ही नहीं आया है तो ऐसे केस में डीम्ड अप्रूवल हो जाता है कि भैया आप रिमूव कर दो तो ऐसे केस में जो है इम्प्लॉय एम्प्लॉय अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कंपनी वॉन्ट टू टर्मिनेट इम्प्लॉय और कंपनी हैज नॉट नॉट रिसीव द रिप्लाई कंपनी हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम ट्रिब्यूनल विद इन थर्टी डेज अब जब तीस दिन में ही रिप्लाई नहीं आया है तो ऐसे केस में सिंस रिप्लाई नहीं आया है तो अपील किया जा सकता है तो अतुल अतुल अपील टू द एड ट्रिब्यूनल विद इन पीरियड ऑफ थर्टी डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द ऑब्जेक्शन इन सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस स्पेसिफाइड सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैमेज लिमिटेड डेमेज लिमिटेड द कंपनी अब ये क्वेश्चन ना वैसे ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आता है एक अच्छा क्वेश्चन था एक ट्रिक क्वेश्चन था उसको स्टार्मऑफ कर देते हैं बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चन थे पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था हाँ डैमेज लिमिटेड द कंपनी वांट टू सस्पेंड मिस्टर जेड तो वही क्वेश्चन आ गया कि डैमेज डैमेज लिमिटेड जो कंपनी है वांट टू सस्पेंड मिस्टर जेड सीएफओ ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है सब सही चल रहा है कंपनी अप्रोच करी ट्रिब्यूनल को तीन जनवरी को कंपनी ऑन पंद्रह फरवरी तीन जनवरी से तीन फरवरी के बाद है मतलब तीस दिन के बाद पास एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन तो कंपनी ने पंद्रह फरवरी को सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया तो ठीक है कंपनी अगर तीस दिन के बाद ही सस्पेंशन ऑर्डर पास कर देती तो भी चलता क्योंकि उसको तो रिवर्ट तो आया ही नहीं ना तो कंपनी ऑन फर पंद्रह फरवरी दो हजार उन्नीस पासड एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कमेंट ऑन द एक्शन टेकन बाय द कंपनी विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट तो ठीक है तो नॉन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल तो सीन सीधा क्वेश्चन में बात हो ही चुकी है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि रिसिप्ट नहीं हुई है आपको तो दो सौ अट्ठारह बोलता है कि इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी को डिस्चार्ज करना है सस्पेंड करना है ठीक है तो ज्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफ अफेयर ऑफ अफ द तो कंपनी सच कंपनी प्रपोज टू तो डिस्चार्ज और सस्पेंड इम्प्लॉय या पनिश करना है वेतर बाय डिसमिस रिमूवल डिडक्शन ऑफ रैंक चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपनी को ऑब्टेन करना पड़ता है अप्रूवल तो कंपनी को बाकायदा ट्रिब्यूनल से एप्लीकेशन देनी पड़ती, पड़ती है और ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेनी पड़ती है एंड इफ द ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्ट करा है टू द एक्शन प्रपोज तो वो नोटिस से आपको बता देगा कि भैया कंपनी तुम रिमूव मत करो हमने ऑब्जेक्शन दिया है इफ़ द कंपनी डज नॉट रिसीव विद इन थर्टी डेज ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन अगर ट्रिब्यूनल को ऑब्जेक्शन ही रिसीव नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि डीम्ड अप्रूवल है

एन इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ स्टर्लिंग ट्रेडिंग लिमिटेड इंस्पेक्टर को बाकायदा अपॉइंट किया गया है कि भाई टू तो इन्वेस्टिगेट कर दफेयरिंग ट्रेडिंग लिमिटेड अहमद जो जनरल मैनेजर है इज अवेयर ऑफ सर्टन मिस डीड्स ऑफ द मैनेजमेंट अब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने का बुला है पर जो जनरल मैनेजर है जो अवेयर है ऑफ सर्टन मिस डीड्स ऑफ मैनेजमेंट डिजायर टू नो वद ही इज़ इंटाइटल टू एनी प्रोटेक्शन कि क्या जनरल मैनेजर उसको पता है वो अवेयर है ठीक है ना वो अवेयर है तो अब उसको मिसडिड के बारे में पता है तो क्या वो इंटाइटल्ड है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल बाय कंपनी इफ़ यू डिस्क्लोज द मिस डिट तो उसको लग रहा है कि क्या उसका कोई प्रोटेक्शन है कंपनी के थ्रू अगर कल को वो इफ़ यू डिस्क्लोज द मिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एडवाइज़ हिम तो हमको यही एडवाइज यह करना है तो हाँ जनरल मैनेजर तुमको है तो जनरल तो जनरल मैनेजर को है hey, सेविंग तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो पूरा प्रोविज़न ही बताना है कि प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय है कि इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑफ़ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी सच कंपनी प्रपोज करती है तो डिस्चार्ज और सस्पेंड एनी एम्प्लॉय कि भैया डिस्चार्ज करो डिस्चार्ज और सस्पेंड एनी एम्प्लॉय कि अगर कंपनी प्रपोज करी है कि इसको डिस्चार्ज करो या एम्प्लॉय को सस्पेंड करो या डिस्चार्ज करो सस्पेंड करो पनिश करो रिमूवल रिडक्शन डिस्चार्ज करो सस्पेंड करो पनिशमेंट दो या तो डिसमिस रिमूवल रिडक्शन इन रैंक अदरवाइज टू चेंज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो कंपनी शैल ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ़ द ट्रिब्यूनल तो ऐसे केस में कंपनी को ये सब करना है तो कंपनी को ऑप्टेन करना पड़ता है ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का अप्रूवल तो कंपनी शैल ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ द एक्शन प्रपोज कि हम जो एक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आप प्लीज़ अप्रूवल कर दीजिए अगर कंपनी ना अगर ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन किया है टू तो द एक्शन प्रपोज इट शैल सेंड बाय पोस्ट नोटिस देयर ऑफ इन राइटिंग टू तो द कंपनी दो सौ ये बोलता है कि अगर कंपनी डज नॉट रिसीव विद इन थर्टी डेज ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन अप्रूवल अगर, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऐसे केस में कंपनी मे प्रोसीड टू टेक एक्शन कंपनी मे प्रोसीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी ओके तो अहमद को जो है प्रोटेक्शन अवेलेबल है भले भले वो इंप्लॉय है तो जनरल मैनेजर भी इम्प्लॉय में आता है अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन टू वन नाइन पे टू डिस्कस द पावर ऑफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का पावर हमको डिस्कस करना है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज अब इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज इन्वेस्टिगेशन कंपनी का नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन टू ऑफ रिलेटेड कंपनी अब वट आर द दर्म दूसरा क्वेश्चन वॉट आर द सर्मस्टेंस इन विच इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन दो सौ के अंदर इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है कैन इन्वेस्टिगेट दी अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज तो कौन कौन से सरकमस्टेंसेस है जब इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज के तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन टू ऑफ रिलेटेड कंपनी तो एज पर सेक्शन टू वन नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट अंडर सेक्शन दो सौ दस दो सौ बारह दो सौ तेरह अगर इंस्पेक्टर जिसको अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन दो सौ दस दो सौ बारह दो सौ तेरह टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कंसीडर इट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्टर को लग रहा है कि जरूरी है कंसिडर इट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन शेयर ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ तो अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है दो सौ दस दो सौ बारह दो सौ तेरह में टू इन्वेस्टिगेट इंटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी काय के लिए अपॉइंट किया है टू इन्वेस्टिगेट इंटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वो तो सिर्फ कंपनी का ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ठीक है इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए ये नेसेसरी है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अनादर कंपनी तो इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है तो वो रिलेटेड में किस किस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो कर सकता है किसी बॉडी को एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट फिर वापस एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट और एनी पर्सन मतलब वो किसी पर्सन को भी कर सकता है पर सबसे पहले एनी अदर बॉडी कॉपरेट में पहला क्या बोला है दिस चीज और हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन द कंपनी सब्सिडरी जो है या हैज़ एट एनी रिलेवेंट टाइम जो है या हैज़ एट एनी रिलेवेंट टाइम वो कंपनी का सब्सिडियरी है ठीक है बॉडी कॉपरेट जो कंपनी का सब्सिडियरी है होल्डिंग है और सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग तो सब्सिडियरी है होल्डिंग है या सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग ठीक है और एनी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ और हैज़ एट एनी रिलेवेंट टाइम बींग मैनेज बाय अ पर्सन तो एन ए सी कंपनी जो मैनेज बाय द पर्सन एज एम डी जो पर्सन मैनेज करता है एज एम डी और एज मैनेजर तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ और हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बींग मैनेज बाय एनी पर्सन एज एम डी कि कोई पर्सन उसको एज एन एम डी या मैनेजर हेल्ड करता है मैनेज करता है हु इज वो पर्सन हु इज़ और वॉज एट एनी रेलिवेंट टाइम द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ़ द कंपनी मतलब कि एनी बॉडी कॉपरेट जिसमें वो जो पर्सन है वो पर्सन उस बॉडी कॉपरेट को मैनेज कर रहा है एज एम डी या मैनेजर और वो पर्सन हु इज़ और वॉज एट रिलेवेंट टाइम द एम डी और मैनेजर ऑफ द कंपनी जो उस कंपनी का एम डी और मैनेजर है वो किसी दूसरी बॉडी कॉपरेट को मैनेज कर रहा है एज एम डी और मैनेजर तो ऐसे केस में वो दूसरी बॉडी कॉपरेट भी आ जाती है और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस अदर बॉडी कॉर्परेट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज नॉमिनीज ऑफ द कंपनी और इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी और एनी पर्सन हु इज और हैज एट रिलेवेंट टाइम बीन द कंपनीज एम डी तो एनी पर्सन हु इज और एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन द एम डी तो अगर कंपनी हु इज और एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन द कंपनीज एम डी मैनेजर और एम्प्लॉय मतलब कल को कंपनी के ये कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी की बात नहीं कर रहे कंपनीज एम डी मैनेजर या एम्प्लॉय को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अलाउड तभी होगा तब जब आपको प्रायर अप्रूवल मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इन्वेस्टिगेशन इज अलाउड ओनली ऑनलीन प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन तो इस तरीके से हमने जो है सेक्शन टू वन नाइन को समझा और बेयर प्रोविजन था बेयर एक्ट था अब ड्यूरिंग द प्रोविजन कंडक्टेड ऑन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी अब ड्यूरिंग सॉरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड ऑन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कंपनी के अफेयर्स पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इन द पब्लिक इंटरेस्ट द इंस्पेक्टर ऑब्जर्व इंस्पेक्टर को लग रहा है दैट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज बिन एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ होल्डिंग कंपनी अब क्या बोला है डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कंपनी के डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर वर्क कर रहे हैं ठीक है कंपनी के डायरेक्टर एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड ही प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द होल्डिंग कंपनी इंस्पेक्टर परमिटेड अब कंपनी का डायरेक्टर किसी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहा है ठीक है तो जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अब देखो पॉइंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहा है और जबकि हमने क्या पढ़ा कि किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर मेरी कंपनी जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मैं उसको मेरी कंपनी बोलता हूँ किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर मेरी कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है तो मैं उस दूसरी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है तो ऐसे केस में मैं दूसरी कंपनी को इंस्पेक्ट कर सकता हूं क्या तो नहीं कर सकता क्वेश्चन ही पूरा उल्टा पूछा है तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। पर पर हमको समझना पड़ेगा कि तीन तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट है होल्डिंग सब्सिडियरी तो एक तो होल्डिंग सब्सिडियरी या सब्सिडियरी और सच होल्डिंग मतलब एसोसिएट तो वो ये उधर कवर हो जाएगा ये तीसरे वाले क्लॉज में कवर नहीं होगा मैं में ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इधर कवर नहीं होगा ये इधर कवर नहीं होगा इज ए टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर तो ये जो है इधर कवर नहीं होगा कि क्योंकि सी वाले पॉइंट में क्या बोल कर रखा है कि कोई सा दूसरा बॉडी कोऑपरेट जो एक्स्टम टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर मेरी कंपनी जो है द कंपनी तो मेरी कंपनी के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे या मेरी कंपनी के डायरेक्टर के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे कोई दूसरा काम कर रहा है ये वो प्रोविजन है पर क्वेश्चन में उल्टा पूछा था कि किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पर मेरी कंपनी वर्क कर रही है तो ऐसे केस में वो इधर तो फॉल नहीं होता है पर वो जो दूसरी कंपनी सिंस वो होल्डिंग कंपनी है तो इधर होल्डिंग कंपनी ए वाले पॉइंट में कवर हो जाता है इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन उसका भी कर सकते हैं दो में अब आधी बात फ्रीजिंग ऑफ असेट ऑफ कंपनी और इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सम हाउ वो जो है ये जो है सेक्शन ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रीजिंग ऑफ ऑफ अ कंपनी सो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन सेक्शन नंबर टू ट्वेंटी वन है द मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद नो पेड ऑफ शेयर कैपिटल तो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी जिसका कोई पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है विथ नो पेड ऑफ शेयर कैपिटल फाइल करता है कंप्लेन अगेंस्ट चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मेंबर ऑफ अ कंपनी जिसका कोई पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है वो कंप्लेन फाइल करते हैं फॉर द चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ड्यू टू विच इट वॉज लाइकली डेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर इट विल बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव मेंबर टोटल मेंबर है सो तो मेंबर ऑफ कंपनी जिसके कोई पेड पेडअप शेयर की नहीं है वो कंप्लेंट फाइल करते हैं अगेंस्ट द चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ड्यू टू विच इट वाज लाइकली डेट दफेस ऑफ अ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर वो प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव मैंबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो हंडेड है और इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑन द कंप्लेंट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांसफर ए डिस्पोजल ऑफ असट्स ऑफ अ कंपनी मे अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इंक्वायरी करी उसमें यह समझ में आया है कि ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल कंपनी में भी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है डेट सच ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट शेल नॉट बी मेड ड्यूरिंग वन ईयर ऑफ सच ऑर्डर अब ट्रिब्यूनल क्या बोलता है कि जो ट्रांसफर और डिस्पोजल है ये नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग वन ईयर शेल नॉट बी मेड ड्यूरिंग वन ईयर ऑफ सच ऑर्डर तो सबसे पहले इवेल्यूट ऑन द बेस ऑफ गिवन फैक्ट द फॉलोइंग सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दंपनीज एक्ट एलिजिबिलिटी ऑफ में टू फाइल अ कंप्लेट इधर जो कम्प्लेन फाइल करी गई है ये ट्वेंटी फाइव मेंबर हंड्रेड मेंबर में से ट्वेंटी फाइव मेंबर ने ये कम्प्लेन फाइल करी है सबसे पहले ये बताओ कि क्या एलिजिबल है ये मेबर टू फाइल कंप्लेन तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इधर ट्रिब्यूनल को कम्प्लेन की जाती है ट्रिब्यूनल सुओ मोटो फ्रीजिंग ऑफ एसेट का ऑर्डर नहीं देता ठीक है तो ट्रिब्यूनल को कंप्लेन की जाती है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो इंस्पेक्टर ट्रिब्यूनल को कम्प्लेन की जाती है फ्रॉम द मेम बर्फ स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 244 फोर्टी फोर सबसे वन जो ऑपरेशन जो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट या सॉरी ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट में आ जाएगा एंड क्रेडिटर uh, जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक लाख के उससे ज्यादा है या अदर पर्सन और ऑन रेफरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी तो या तो मेंबर्स ने कंप्लेंट करी टू फोर्टी फोर सबसे क्रेडिटर जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक लाख के उससे ज्यादा है या अदर पर्सन या ऑन रेफरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है कि सर आप असेट को फ्रीज कर दो इन कनेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन ऑफ ऑफ़ अफेयर्स कंपनी तो ऐसे केस में जो मैंने आपको बात करी अंडर सेक्शन टू फोर्टी फोर वन कैपिटल क्योंकि स्पेसिफाइड हो रहे हैं तो कंपनी है हंड्रेड है द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है हंड्रेड मेंबर या वन टेंथ ऑफ टोटल मेंबर या मेंबर होल्डिंग टेंथ ऑफ इशूड शेयर कैपिटल तो इस क्वेश्चन में पच्चीस मेम्बर थे पच्चीस मेंबर है तो हंड्रेड मेंबर तो नहीं है पर यह वन टोटल नंबर से तो ज़्यादा ही है ना तो सिंस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करे और कंपनी जिसके कोई शेयर कैपिटल नहीं है अभी इस क्वेश्चन में कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं था जो मैंने बोला जो मैंने गलत बोल दिया क्योंकि मैंने उसको वन टेंथ मान लिया कंपनी कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे केस में वन टोटल नंबर ऑफ मेंबर होता है, तो हंड्रेड केस तो तो में क्या होता है तो इस केस में आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो तो एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं एज पर टू फोर्टी फोर कैपिटल नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एटलीस्ट वन फिफ्थ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर मेंबर ऑफ इट्स हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी वन वेर एनी मेंबर आर इन टू मेक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन टू फोर्टी फोर सेक्शन मोर ऑफ देम हैविंग द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द रेस्ट एनी वन और मोर ऑफ देम हैविंग द कंटेंट इन कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द रेस्ट मे मेक एप्लीकेशन ऑन बिहाफ और फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम तो ठीक है अगर मेंबर इंटाइटल्ड है वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन एनी वन और मोर ऑफ देम कोई भी या मोर ऑफ देम हैविंग ऑप्टेंड द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द रेस्ट उन्होंने बच्चे से कंसेंट ले ली है और मे मेक एप्लीकेशन ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया पूरा करो ठीक है तो वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी आर इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन अगर वो इंटाइटल्ड है तो कोई भी मेंबर किसी के भी बिहाफ़ में एप्लीकेशन दे सकता है तो इन द इंस्टेंट केस रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज फुलफिल्ड है जो कि ट्वेंटी और इधर ट्वेंटी फाइव है तो मेंबर्स आर एलिजिबल है सेकेंड वेयर इज मैनेजमेंट डिस्पोज ऑफ सर्टन असेट्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अगर ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रावेंशन कौन, किया है टू द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल तो ऐसे केस में पेनल्टी है और पेनल्टी है जो कंपनी को है तो एज पर सेक्शन टू ट्वेंटी अपियर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट ऑन अ कंप्लेन मेड बाय मेंबर दैट रिमूवल ट्रांसफर और डिस्पोजल टू डिस्पोजल ट्रांसफर और रिमूवल तो डीआरटी ऑफ फंड प्रॉपर्टी तो डीआरटी और फैप तो ठीक है ऑन अ कंप्लेन मेड बाय मेंबर ट्रिब्यूनल अपियर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट रिमूवल ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफर डेसेट प्रॉपर्टी इज लाइकली टू टेक प्लेस इन अ मैनर दैट इज प्री जुडिशियल अगर इस मैनर में हो रहे जो प्री जुडिशल है टू द इंटरेस्ट ऑफ मेम्बर ट्रिब्यूनल ज्यूरिंग सच पीरियड तो अगर वो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ में तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है दैट सच ट्रांसफर रिमूवल और डिस्पोजलिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर एस मे बी स्पेसिफाइड तो जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि ट्रांसफर रिमूवल और डिस्पोजल जो है वो नहीं प्लेस होगा ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर वो इधर क्वेश्चन में देख के रखा था कि शेल नॉट मेड ड्यूरिंग वन ईयर तो ये तो पूरा ही गलत हो गया है तीन साल का रिस्ट्रिक्शन होता है शेल नॉट बी प्लेस इन थ्री ईयर एज में स्पेसीफाइड इन दर्डर और मे टेक प्लेस सब्जेक्ट टू तो द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन और मे टेक प्लेस, और मे टेक सब्जेक्ट टू दंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज अ ट्रिब्यूनल मेड इन फिट टू ट्वेंटी क्या बोलता है प्रोवाइड डेट इन केस ऑफ रिमूवल ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ फंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन कॉन्ट्रामेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू ट्वेंटी वन सबसे वन कंपनी शेल बी पनिशेबल विध फाइन तो ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रामेंशन करते हैं तो कंपनी कंपनी को फाइन लगता है वो एक लाख से पच्चीस लाख है और मेम्बर्स एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है शेल भी पनिशेबल तो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जो डिफ़ॉल्ट में है शेल बी पनिशेबल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर तो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जो डिफ़ॉल्ट में है शेल बी पनिशेबल विद द टर्म विच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर और फाइन और फाइन और विद फाइन विच शेल बी नॉट लेस देन पचास हजार विच में एक्सटेंड टू फाइव लाख तो पचास हजार से पाँच लाख तक का फाइन और इम्प्रिजमेंट अप टू थ्री ईयर साथ ही साथ कंपनी जो है उसको एक साल से लेके एक लाख से लेके पच्चीस लाख तक की पेनल्टी सो so, अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जेड कंपनी प्रपोज फॉर एम एलगा मेशन विथ पी क्यू आर जेड कंपनी जो है प्रपोज कर रही है एम एलगा मेशन पी क्यू आर कंपनी के साथ द इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड इज पाँच करोड़ कंसिस्टिंग पाँच लाख इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच तो जो इशूड और अप कैपिटल है वो तो पाँच करोड़ है और सेड कंपनी के फाइव हंड्रेड मेंबर है

सर्टन तो मेंबर ने स्कीम प्रपोज करी सो इफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट सो 80 मेंबर होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर अब जो 80 मेंबर से, 80 मेंबर से जो होल्ड कर रहे हैं अराउंड दस हजार इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनीशन दस हजार इक्विटी शेयर वो एटी मेंबर्स है जो होल्ड कर रहे हैं टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड कि चलो एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर रिलीफ फॉर बिफोर द ट्रिब्यूनल की यार ये फंड असाइट और तो प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफर हो रही है वेल्कमेशन के कारण और मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वेदर द दिटीशन इज मेंटेनेबल तो अब इस केस में क्या पिटीशन मेंटेनेबल है तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है अब देखा जाए तो हंड्रेड मेंबर वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा क्योंकि एटी मेंबर्स अप्लाई कर रहे ठीक है पर दस हजार इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी तो दस हज़ार इक्विटी शेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स थे पाँच लाख इक्विटी शेयर अब उसका टेन परसेंट तो पचास हज़ार होता है अब जो तो दस हज़ार इक्विटी शेयर है ठीक है ये हो गया तो ये भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ और मेंबर होल्डिंग टेन परसेंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल तो ये भी नहीं हुआ जब शेयर ही नहीं हुए टोटल नंबर ऑफ मेम्बर के ओके ओके एक तो सबसे पहले हंड्रेड मेम्बर वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ चलो ठीक है माना वन ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ मेम्बर इधर फाइव हंड्रेड है वो इधर एटी मेंबर कंप्लेन कर रहे हैं मतलब कि हंड्रेड वाला कंप्लाई नहीं हुआ बट फाइव हंड्रेड का वन टेंथ फिफ्टी से तो ज़्यादा ही है तो दूसरा क्राइटेरिया कंप्लाई हो गया अब अपन तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर पाँच लाख है उसका वन टेंथ दस हजार है तो वो तो पचास हजार होना चाहिए था अब ये है दस हजार तो तीसरा वाला भी पूरा नहीं हुआ पर सिर्फ दूसरा वाला पूरा हो गया मतलब पिटिशन मेंटेनेबल है इन दिस केस वेर इट अपियस पिटिशन मेंटेनेबल है बस को देख लेते हैं तो राइट टू अप्लाई सेक्शन टू फोर्टी फोर इन केस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर एलिजिबल है टू अप्लाई फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ठीक है तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो कंपनी शेयर कैपिटल है तो जो मेंबर है एलिजिबल टू मेक ऑपरेशन एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड शैल बी द लोएस्ट फॉर द फॉलोइंग क्या लोएस्ट है हंड्रेड होल्डिंग नॉट लेस देन ऑफ़ इशूड शेयर कैपिटल द शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बता के रखा है तो ऐसे केस में पिटीशन एलिजिंग ऑपरेशन इन मिसमेनेजमेंट मे बी मेड बाय मेंबर एटी है और नंबर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज टेन लैक कंक्लूजन है पिटीशन मेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है एज इट एक्सीड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पचास मेंबर ठीक है ये तो ठीक है ये तो भैया अपन ने भी कर लिया इन केस वेयर इट अपियर टू द ट्रिब्यूनल इन केस कभी ट्रिब्यूनल को अपीयर होता है डेट सच प्रपोजल इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर उनको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ मेंबर को यह अफेक्ट करेगा कि जो ये प्रपोजल है ठीक है लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर रिमेडी अवेलेबल टू द एग्रीव मेंबर ठीक इन केस इट अपेयर्स टू द ट्रिब्यूनल इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर तो क्या रेमेडी अवेलेबल है टू द एग्रीव्ड मेंबर तो रेमेडी तो अवेलेबल है तो इफ इट अपियर्स टू द ट्रिब्यूनल द कम्प्लेट मेड बाय मेंबर की जो कंप्लेन करी है ना मेड बाय मेंबर अंडर अंडर सेक्शन टू फोर्टी रिमूवल डिस्पोजल एंड ट्रांसफर ऑफ फंड ऑफ प्रॉपर्टी वो प्लीज जुडिशली टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ट्रिब्यूनल ऑर्डर सच रिमूवल एक मिनट ट्रिब्यूनल ऑर्डर uh, कर सकता है कि सच रिमूवल ट्रांसफर डिस्पोजल वो होना ही नहीं चाहिए टेक प्लेस नॉट एक्सीडिंग ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री है मतलब तीन साल तक उसको फ्रीज कर दिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन बी ऑर्डर अब इन केस जो है अगर इन केस रिमूवल ट्रांसफर डिस्पोजल मतलब डिस्पोजल रिमूवल ट्रांसफर डी आर टी अगर करा है ऑफ अंड प्रॉपर्टी तो कंपनी शैल बी पनी विथ फाइन तो फाइन है एक लाख से पच्चीस लाख ठीक है एक मिनट तो कंपनी को जो पनिशेबल है विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन वन लैख में एक्सटेंड टू फिफ्ट ट्वेंटी फाइव लैख एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है ठीक है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो उनको जेल हो जाएगी राइट शे बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म बिच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर और विथ फाइन और बोथ वो जो फाइन है वो पचास हजार से बीच में एक्सटेंड टू पाँच लाख और बो, और बोथ ठीक है तो इस तरीके से हमने सेक्शन टू ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन जो है वो ओवर कर रहे हैं राइट सो ठीक है सेक्शन टू ट्वेंटी वन ये भी हमने फ्रीजिंग ऑफ असेट के रिस्पेक्ट में भी ओवर कर लिया है फ्रीजिंग ऑफ असेट से ही रिलेटेबल है ये रिलेटेबल है जो है एक सिक्योरिटीज वाला आएगा जो ये भी सेक्शन टू ट्वेंटी टू है रिलेटेबल है इधर भी रिस्ट्रिक्शन तीन साल का ही है समझते हैं इसको रेमिडियल फार्मा लिमिटेड

शेयर्स जो इशू कर रहे हैं तो एक लॉट एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड share, जो है वो वो इस तरीके से इशू कर रहे हैं कि एक पूरा ग्रुप उस पर्टिकुलर शेयर को परचेस कर रहा है तो देर ए सीरियस एप्रीहेंशन तो देर इज सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ द कॉर्नरिंग द शेयर ऑफ द कंपनी देर इज सीरियस सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ

कंपनी सी के एडवाइज एस टू हाउ इट कैन ब्लॉक द ट्रांसफर इसे शेयर के ट्रांसफर को ब्लॉक करना है आप क्या करें तो सेक्शन टू ट्वेंटी वन बोलता है कि उधर टू ट्वेंटी टू बोलता है कि ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटो भी जा सकता है टू ट्वेंटी वन में तो फ्रीजिंग ऑफ असैटमेंट सुओ मोटो तो नहीं जा सकता पर ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटो जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दो सौ सोलह का जो इन्वेस्टिगेशन है अब दो सौ सोलह का इन्वेस्टिगेशन किसका इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ अभी अपन पढ़ेंगे इसको दो सला इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं पर इन्वेस्टिगेशन इन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप और ओनरशिप कि कौन वो पर्टिकुलर मेंबर है उस दौरान अगर सो मोटू लग रहा हो तो या ट्रिब्यूनल को अगर कंप्लेन करी है किसी क्रेडिटर पर्सन ने या डायरेक्टर ने इधर जो कम्प्लेंट रेस करी है किसने रेस करी है ठीक है कंपनी सिक्योर एडवाइस ठीक है इधर तो कोई कंप्लेन ही रेस नहीं करी है इधर तो खुद से ही ठीक है हो रहा है कंपनी सीक्योर एडवाइस हाउ इट कैन ब्लॉक द ट्रांसफर हाँ तो ट्रिब्यूनल सुओ मोटू जा सकता है या तो कंप्लेन करी हो अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है रिस्ट्रिक्शन का रिस्ट्रिक्शन तीन साल का रहेगा ठीक है और वो ही है कि सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन भैया जेनविननेस होनी चाहिए कंप्लेन की कि जेनविननेस इन देंस की किसी ने कंप्लेन करी है और उसने स्टैब्लिश करा है रीज़न कि इट्स गुड टू फाइंड रेलेवेंट फैक्ट मेरे को उस सिक्योरिटी के रेलेवेंट फैक्ट जानना जरूरी है अबाउट सिक्योरिटी विच कंट बी फाइंड आउट विदाउट रिस्ट्रिक्शन और बिना रिस्ट्रिक्शन के मैं उस फैक्ट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे तो किस सिचुएशन uh, में यह सेक्शन अट्रैक्ट होता है तो वही है कि अगर कॉर्नरिंग द शेयर्स आपको मिलेगा यह अनस्क्रप्ड पर्सन जो सीरियस अप्रीहेंशन कर रहे हैं कॉर्नरिंग कर रहे हैं शेयर्स को जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो ऐसे केस में जो है ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है चलो अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन टू ट्वेंटी टू द कंपनीज एक्ट इट अपीयर्स टू द वेयर इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन दो सौ सोलह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अंडर सौ दो सौ सोलह और दो सौ सोलह के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लगा या ऑन कंप्लेन मेड एनी पर्सन इन दिस बिहाफ दैट देर इज अ गुड रीजन क्या कंप्लेन करा है किसी पर्सन ने दैट देर इज अ गुड रीजन ये गुड रीजन है टू फाइंड आउट रिलेवेंट फैक्ट अबाउट एनी सिक्योरिटी ठीक है इशूड और टू बी इशूड ठीक है सिक्योरिटी इशूड और टू बी इशूड एक मिनट और टू बीड तो ये गुड रीजन है टू फाइंड आउट द रेलिट फैक्ट अबाउट द सिक्योरिटी जो इशूड और टू बी इशूड है ठीक है एंड द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन और ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट सच फैक्ट कैन नॉट बी फाइंड आउट अनलेस सर्टन डिस्ट्रिक्शन एज इट मे डीम्फ इट आर इम्पोज और ट्रिब्यूनल ती, के पास ये ओपिनियन है जो ये सच फैक्ट है वो फाउंड आउट नहीं हो सकते जब तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करे अनलेस अनलेस सर्टन रिस्ट्रिक्शन एज इट मे डीम फिट आर इम्पोज द ट्रिब्यूनल तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर डायरेक्ट सिक्योरिटीज शैल बी सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन इट मे डीम फिट फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर एज मे बी स्पेसिफाइड इन दर्डर इन द प्रेजेंट केस भी सीरियस अप्रीहेंशन था ठीक है और कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट जो है मेक कंप्लेन मैनेजमेंट ने कंप्लेंट मेक करी टू इधर ठीक है कंपनी के मैनेजमेंट ने कंप्लेंट करी है टू द ट्रिब्यूनल एंड ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ ग्रुप ऑफ वो चेंज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो प्री जुडिशियल है ठीक है विच शैल प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट इफ़ द ट्रिब्यूनल इज कन्स विद्लेस ऑफ दास एन ऑर्डर एंड स्टेट अब वुड ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ शेयर तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिसफाई हो जाता है तो ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराया है वन मिनट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है अंडर सेक्शन 216 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करा है दो सौ सोलह में अच्छा वाला इन्वेस्टिगेशन चल रहा था फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन अ रेफरेंस वॉज मेड टू ट्रिब्यूनल इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन एक रेफरेंस ट्रिब्यूनल को करा इट अपियस टू द ट्रिब्यूनल दैट देर इज अ गुड रीजन टू फाइंड आउट द रेलिवेंट फैक्ट अबाउट अबाउट द कंपनी एंड द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन देख जब तक ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करे ठीक है और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कब तक दो साल तक अनलेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन फर्दर इश्यू ऑफ सच इक्विटी शेव फॉर टू ईयर द पर्पज़ कैन नॉट बी सॉल्व तो इधर बोल के रखा है कि जब तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा तब तक ये पर्पज़ सॉल्व होने से रहा ठीक है तो इधर जो अभी अपन ने बात करी है तो इधर रिस्ट्रिक्शन इन्होंने दो साल का रखा है अब पॉइंट ये है कि तीन साल का जो है वो मिनिमम टाइम लिमिट है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट है तो अगर हम क्वेश्चन में चले तो लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर तीन साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन दो साल का ला सकते हैं डेफिकोसेना ट्रिब्यूनल पुट सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्दर इशू ऑफ शेयर तो हाँ अगर देखा जाए तो ट्रिब्यूनल कैन इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर तीन साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पर पीरियड फॉर विच सच्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय द ट्रिब्यूनल तो वही है पीरियड वही तीन साल का ठीक है तो तीन साल मैक्सिमम तीन साल तो ट्रिब्यूनल मे रिस्ट्रिक्ट द फर्दर इशू ऑफ शेयर और तीन साल का रिस्ट्रिक्शन कर सकती है तीन साल से ज़्यादा का नहीं तो सेक्शन टू कंपनीज एक्ट सेक्शन टू ट्वेंटी एक्ट प्रोवाइडेड जब ये अपीयर होता है ट्रिब्यूनल को डेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन सेक्शन दो सौ सोलह और ऑन और या तो कंप्लेन मेड करी है बाय एनी पर्सन इन दिस बिया की भाई गुड रीजन है टू फाइंड आउट द रेलेवेंट फैक्ट अबाउट द सिक्योरिटी वो मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा विदाउट डिस्ट्रिक्शन जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा ठीक है वो जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो एज इट में डिम फिट ठीक है तो देर इज अ गुड रीजन टू फाइंड आउट द रिलवेंट फैक्ट अबाउट एनी सिक्योरिटी इश्यूड और टू बी इश्यूड बाई कंपनी एंड दट ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट सच फैक्ट कैन नॉट बी फाउंड अनलेस सर्टन रिस्ट्रिक्शन एज इट में डी फिट आर इम्पोज द ट्रिब्यूनल में फाउंड ही नहीं कर सकता अनटिल एन अनलेस जब तक मैंने रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं करा तो ट्रिब्यूनल मे बाय ऑर्डर तो ट्रिब्यूनल मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट कर सकता है सिक्योरिटी इसको सब्जेक्ट टू सच रजिस्ट्रिक्शन एज इट मे डीम फिट सच पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर एज इट में डीम फिट डायरेक्ट दैट सिक्योरिटी शेयर सब्जेक्ट टू द सच रजिस्ट्रिक्शन एज इट में डीम फिट फॉर सच पीरियड द रजिस्ट्रिक्शन ला सकता है इन द प्रेजेंट केस भी ऐसे ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा वो सिचुएशन बता दी है ठीक है और ट्रिब्यूनल में रिस्ट्रिक्ट द फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इस पर ही है कि इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन दो सौ सोलह तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 216 सौ सोलह अगेन्स पी लिमिटेड फॉर डिटर्माइनिंग द टू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स ये ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि गुड रीजन है टू फाइंड आउट द रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द नाइन परसेंट क्यूमुलेटिव रिडीमेबल डिचर्स प्रोफेंशर जो इशर करे है कंपनी ने पंद्रह अक्टूबर दो हजार अठारह को एंड ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन डेट अनलेस रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन द फर्दर ऑफ शेयर and ट्रिब्यूनल is ऑफ opinion एंड ट्रिब्यूनल is of opinion that ट्रिब्यूनल is of opinion that अनलेस रिस्ट्रिक्शन इज imposed पर्पज नॉट बी सॉल्व जब तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया पर्पज सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया डेटेड पंद्रह आठ ठीक है डायरेक्टेड दंपनी डेट फर्दर इश ऑफ शेयर ऑफ आर सी पी एस ठीक है डायरेक्टेड दंपनी डेट फर्दर इश्यू ऑफ आर सी पी एस शेयर बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स इधर गड़बड़ हो गई डिस्शन कितने साल का दे रहे हैं फोर ईयर्स का डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ़ ट्रिब्यूनल एज अबव पी के आर लिमिटेड प्रोसीड विदर्दर इशू ऑफ आर सी पी एस ऑन ट्वेंटी आठ दो हजार उन्नीस डिस्पाइट दर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल पी के आर लिमिटेड प्रोसीडेड विद फर्दर इी पी एस अब डिस्पाइट दी ऑर्डर कंपनी ने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इशू किया फिर भी पी के आर लिमिटेड प्रोसीड टू फर्दर इशू ऑफ आर सी पी एस बीस आठ दो हजार उन्नीस को तो क्या फर्दर इशू कर सकता है तो हाँ ट्रिब्यूनल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिर्फ तीन साल के लिए वो उसने चार साल के लिए करा है तो रिस्ट्रिक्शन ही वैलिड नहीं है तो ट्रिब्यूनल में रिस्ट्रिक्ट द फर्दर इशू ऑफ आर ऑफ एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर अब वट आर द पीनल प्रोविजन इन केस कॉन्ट्रामेंशन ऑफ द अबव ऑर्डर अगर अभी अब देखा जाए तो चार साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते सिर्फ तीन साल का ही रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं पर अगर ये सिर्फ पेनल प्रोविजन पूछ रहे हैं तो कंपनी जो पनिशेबल है वो एक लाख से लेकर पच्चीस लाख तक का है तो ये डिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के बाद भी अगर आपने इशू करा है तो या और जो एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी इज़ इन डिफ़ॉल्ट है तो उसको जेल है जो है वो जेल है सिक्स मंथ की अप टू एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और फ़ाइन है पच्चीस हज़ार से पाँच लाख का तो वो तो उधर पचास हज़ार से पाँच लाख है दो सौ इक्कीस में और जेल है दस तीन साल की इधर जेल छः महीने की है और जो है पच्चीस हज़ार से पाँच लाख तक का इधर पेनल्टी है फ़ाइन है तो तो ट्रिब्यूनल ने भले ही चार साल का ऑर्डर इशू किया है तो चार साल का ऑर्डर वैलिड नहीं होगा वो तीन साल मान लिया जाएगा अब आती बात इंस्पेक्टर रिपोर्ट की टू ट्वेंटी वन हमने पढ़ लिया फ्रीजिंग ऑफ एसेट टू ट्वेंटी टू हमने पढ़ लिया है टू ट्वेंटी टू हमने पढ़ा है सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में एंड uh, इंस्पेक्टर रिपोर्ट अब आता है टू ट्वेंटी थ्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट अब ड्यूटीज़ क्या है वो हम सब पढ़ेंगे सो so, इंस्पेक्टर रिपोर्ट तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर एज एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 223 इंस्पेक्टर की ड्यूटी सेक्शन 223 में बताई गई है तो देखते हैं भैया 221 ट्वेंटी वन में आपने पढ़ा कि फ्रीजिंग है 222 में हमने पढ़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज़ है अब 223 में ड्यूटीज़ है तो क्या ड्यूटीज़ है ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर टू ट्वेंटी थ्री इन रिलेशन टू इंस्पेक्टर रिपोर्ट अब ड्यूटीज इन रिलेशन टू इंस्पेक्टर रिपोर्ट है वो ठीक है तो ड्यूटीज जनरलाइज़ ड्यूटी नहीं है इन इन रिलेशन टू इंस्पेक्टर रिपोर्ट है तो सेक्शन टू ट्वेंटी थ्री डील्स विद दी इंस्पेक्टर रिपोर्ट द फॉलोइंग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस चैप्टर मे एन इफ सो डायरेक्टेड बाय देंट्रल गवर्नमेंट शेल सबमिट इंटर रिपोर्ट टू दैट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर देखो रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में ड्यूटी पूछ रहे हैं ना तो अब वो सबमिट कर देगा इं, इंटरिम रिपोर्ट एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करेगा अब एवरी रिपोर्ट इन राइटिंग और प्रिंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डायरेक्टेड तो राइटिंग और प्रिंटेड जो है एवरी रिपोर्ट जैसा डायरेक्ट करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसी दे दी जाएगी शेल बिन राइटिंग एंड प्रिंटेड सो so, एन रिपोर्ट शेल बी राइटिंग मे बेड बाई मेकिंग एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड टू देंट्र गर्मेंट कॉपी ऑफ रिपोर्ट मे बी ऑप्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो रिपोर्ट की कॉपी है तो मे बी ऑप्टेड बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट की कॉपी को आप, ले, आप भी ले सकते हो बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को द रिपोर्ट ऑफ द एनी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंड चैप्टर शेल बी एन शेल बी ऑथेंटिकेटेड सबसे पहले क्या बोला है इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंदर दिस चैप्टर वो इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेगा टू दैट गवर्नमेंट एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है तो इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को, को. और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को एवरी रिपोर्ट शेल बिन राइटिंग और प्रिंटेड होना चाहिए और रिपोर्ट की कॉपी आप ऑप्टेन कर सकते हो जब आप एप्लीकेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आप कॉपी ऑप्टेंट कर सकते हो रिपोर्ट ऑफ एनी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस चैप्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सील ऑफ द कंपनी सील ऑफ द कंपनी के अफेयर्स इन्वेस्टिगेट हुए हैं उस कंपनी की सील लगेगी साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफिसर है रिपोर्ट तो सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में रिपोर्ट है और जिसका आप इन्वेस्टिगेशन करें उसकी सील और सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में रिपोर्ट है एंड सच रिपोर्ट शेल बी एडमिसेबल इन लीगल प्रोसीडिंग और उसको एडमिस किया जाएगा इन लीगल प्रोसीडिंग एज एविडेंस तो इस तरीके से जो है आपको जो है लीगल प्रोसीडिंग्स वो जो रिपोर्ट है वो एक्ट एज एविडेंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इन मैटर कंसर्न इन द रिपोर्ट आधी बात फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब लास्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन लास्ट फोर क्वेश्चन बचे हुए हैं लेट वी डू दिस एंड हम फिनिश करते हैं अपना जो भी है पर्टिकुलर जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जो क्वेश्चन है इतना एम्पल क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ऐसे केस में फिर वो ओवर हो जाएंगे सो so, हम्म तो मैसेज जेनेसिस पेपर्स हैज बिन इंकरिंग बिजनेस लॉस तो जेनेसिस पेपर है बिजनेस लॉस इंकर पास्ट कपल ऑफ इयर्स द कंपनी देअर फॉर पास द स्पेशल रेजोलूशन फॉर वॉलंट्री बाइंडिंग अप कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया वॉन्टी बाइंडिंग अप का मीन वेल कंप्लेन वर मेड टू द ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल को कंप्लेन मेड करी एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट फोल प्ले ऑफ द डायरेक्टर कंपनी ने तो स्पेशल रेजोलूशन पास कर दिया जेनेसिस कंपनी लॉस इंकर कर रही थी कंपनी ने स्पेशल रेजोलूशन पास कर दिया वॉन्टी बाइंडिंग अप का कंप्लेन वर मेड टू ट्रिब्यूनल एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द फोल प्ले ऑफ द डायरेक्टर बताकि ये क्या है फोर प्ले ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी which adversely affect the interest of shareholders of a company as well as public in this situation advise whether investigation may be initiated ab winding up ka order aa gaya hai winding up ka special resolution pass kar diya hai aur sath hi sath complaint bhi hai hai tribunal ko or oh, to the central government about the foul play of the director कि चलो winding up तो हुआ अपने आप में ठीक है पर साथ ही साथ अभी complaint भी file हुई है और फोर्थ play of director which adversely अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर तो इन सिचुएशन एडवाइस करो वेदर इन्वेस्टिगेशन में भी इनशियेडर प्रोविजन तो यही बात आती है कंपनी एंड नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग वही इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा या इनिशिएट हो गया तो इसको कोई स्टॉप नहीं करेंगे इससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं होगी प्रोवाइडेशन मेंच इन्वेस्टिगेशन शैल इन्वेस्टिगेशन तो इनिशियट हो no तो होगा इन्वेस्टिगेशन शेल बी इनिशियेटेड इन्वेस्टिगेशन टू इनिशिएट होगा एंड नो सच इन्वेस्टिगेशन एंड नो सच इन्वेस्टिगेशन शेल बी स्टॉप इन्वेस्टिगेशन टू इनिशिएट होगा एंड कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं होगा और सस्पेंड नहीं होगा बाय रीजन वोंट स्टॉप ड्यू टू द फैक्ट दैट एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर टू फोर्टी वन तो टू फोर्टी वन की एप्लीकेशन क्या है रिलीफ फ्रॉम ओ एम ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट कि यार चलो रिलीफ लेना है तो एप्लीकेशन फाइल कर दी या कंपनी ने वॉल्ट्री वाइंडिंग अप के रिस्पेक्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी या अदर प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल या अदर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रिब्यूनल के ऊपर पेंडिंग है ठीक है तो ऐसे केस में तो एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन टू फोर्टी वन क्लेमिंग द रिलीफ ऑफ ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट और कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है फॉर वॉल्ट्री वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल इन द प्रेजेंट केस में भी ठीक है तो भले आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया वाइंडिंगअप का या वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही है ट्रिब्यूनल में वो कम्प्लीट नहीं हुई है ठीक है तो उस केस में तो इन द प्रेजेंट केस जेनेसिस इंकरिंग बिजनेस लॉस ठीक है मिन वाइल जो ट्रिब्यूनल को कर दिया तो कंसिडरिंग द प्रोज दो सौ छब्बीस इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन तो इनिशिएट होगा इट विल नॉट स्टॉप और सस्पेंड बाई द रीजन ऑफ दट कंपनी पास हुआ मीन की इवेस्टिगेशन रुक जाएगा अब अभी अपने बात करी कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या बाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल या अब एक नई चीज और है कि वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग कम्प्लीट भी हो गई और वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास हो गया टू देन टू ट्रिब्यूनल पास सच ऑर्डर एज इट मे डिम फिट और डायरेक्टर और इम्प्लॉय जो है वो एब्जॉल्वड नहीं हुए मतलब वो फ्री नहीं हुए फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग्स उसको प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और लाइबिलिटी तो बियर होगी फ्रॉम लाइबिलिटी तो डायरेक्टर एम्प्लॉय नॉट एब्सॉल्व फ्रॉम द पार्टिसिपेशन और फ्रॉम लाइबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ़ फाइंडिंग्स बाई इंस्पेक्टर जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय जो है वो उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स में और लाइबल रहेंगे इन केस वो लाइबिलिटी से फ्री नहीं हुए हैं वो लाइबल रहेंगे इन केस इंस्पेक्टर ने कुछ उनके अगेंस्ट में फाइंड आउट करा है तो ठीक है अब आता है सेक्शन नंबर 25 ओरिजिन पीपल लिमिटेड हैज बीन इनकurring बिजनेस लॉस वो ये आएगा कि पास कपल ऑफ ईयर से बिजनेस लॉस है और कंपनी डीयर फॉर उसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है मीनवाइल कंपनी ने हुई है ट्रिब्यूनल को फोर प्ले ऑफ डायरेक्टर है जो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर को एंड द पब्लिक को सिचुएशन के इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं तो भाई अगर एप्लीकेशन आई है टू फोर्टी वन के अंडर में यह रिजोल्यूशन पाया सब पास हो गया है या तो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है और इनफैक्ट कभी कंप्लीट भी हो गई है देन टू इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा फर्दर डिसाइड वेदर एप्लीकेशन कैन मेड टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन द अबव अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वज इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी

क्या ट्रिब्यूनल को मेड कर सकते हैं फॉर डिलीफ इन दबेयर वंस द इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिए फॉर ट्रिब्यूनल तो क्या ट्रिब्यूनलिंग द प्रोविजन सेन इट कैन बी कंक्लूडेड इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिए अगेंस्ट द इट शेल नॉट बार देंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन टू फोर्टी वन कि भले ही इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटिव आया कंपनी को इट शेल नॉट बार देंबर टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन टू फोर्टी वन की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो टू फोर्टी वन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं टू फोर्टी वन की एप्लीकेशन है तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं फर्दर डिसाइड वेदर एप्लीकेशन कैन मेड टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन द अबव अफेयर्स कि अबव अफेयर्स के रिस्पेक्ट में फॉर रिलीफ इन द अबव अफेयर्स की ऑपरेशन मैनेजमेंट हो रहा है और मुझे उस अबव अफेयर्स पे रिलीफ चाहिए तो रिलीफ इन दबव अफेयर्स मैंने एप्लीकेशन करी तो वंस द इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड क्या मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ तो ये उसकी बात कर रहे हैं रिलीफ इन द अबव अफेयर्स मतलब मतलब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ठीक तो क्या ट्रिब्यूनल तो को अपलीकेशन दे सकते हैं फॉर द रिलीफ इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट वंस द इन्वेस्टिशन इज इनिशिएटेड तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है तो हाँ आप कर सकते हो इन्वेस्टिगेट टू फोर्टी वन में भी अप्लाई कर सकते हो तो अपलिकेशन टू ट्रिब्यूनल क्या बोलता है टू फोर्टी वन मेंबर ऑफ अ कंपनी में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल जो कंपनी के मेंबर है वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं इफ कंपनी के मेंबर वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं मेंबर है कंपनी के वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं इफ यू कंप्लेन डेड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैव बीन बीन और हैज़ कंडक्टेड इन अ मैनर टू द इंटरेस्ट इन अ मैनर प्री जुडिशियल ऑपरेटिव ऑफ हिम और एनी अदर में प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो क्या बोला है प्रोवाइडेड एनी अ कंपनी में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल कोई भी अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को तो क्या बोला है कि सेक्शन टू फोर्टी वन ऑफ कंपनी कंपनी वो अपलाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को इफ यू कंप्लेन डेट दफेयर ऑफ अ कंपनी है वो कंडक्ट इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू इन दू द पब्लिक इंटरेस्ट या ऑपरेसिव टू मेबर है या ऑपरेसिव टू मेबर है या प्री जुडिशियल टू कंपनी है तो अगर इस वे में हो रहा है ठीक है प्री जुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी और अब मटेरियल चेंज टेक प्लेस इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रोल ऑफ़ अ कंपनी तो पहला क्या है कि एप्लीकेशन ठीक है सेक्शन टू फोर्टी वन प्रोवाइड एनी मेम्बर ऑफ अ कंपनी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को अगर वो कंप्लेंट करता है कि अफियस ऑफ़ अ कंपनी हैव बिन कंडकटेड ऑफ बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम या एनी अदर मेंबर तो पब्लिक इंटरेस्ट का प्री जुडिशियल है या ऑपरेसिव है टू मेंबर और हिम और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है जो भी है और या तो एक तरीका ये और मटेरियल चेंज टेक प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी वेदर बाय अल्ट्रेशन तो मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी तो मटेरियल चेंज हुआ है इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी वेदर बाय अल्ट्रेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर और इन ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर तो मटेरियल चेंज और कंट्रोल ठीक है तो मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी जो प्री जुडिशियली अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ठीक है और अल्ट्रेशन तो मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी वेदर बाय अल्ट्रेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर और इन द ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर मेम्बरशिप या ओनरशिप और इन एनीर अदर मैन वॉट्स एवर एंड बाय रीजन ऑफ दट चेंज इट इज लाइकली डेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी विल कंडक्टेड इन अ मैनर एंड देट बाय रीजन ऑफ देंज और उस चेंज के कारण ठीक है इट इज लाइकली डेट दफेयर्स ऑफ कंपनी विल भी कंडक्टेड इनर प्री जुडिशियल टू इट्स इंटरेस्ट और इट्स मेमर और क्लास ऑफ में So, central government, if it is of the opinion that the affairs of a company are being conducted in a manner prejudicial to public interest, it may by itself, it may itself apply to the tribunal for an order. Where where any member of a company are entitled to make any application, any one or more of them have obtained a consent in writing of the rest, may make application on behalf and for the benefit of all of them. Or the central government.

तब जो ये चीज़ बताइए टू फोर्टी वन की ये टू फोर्टी वन की इसलिए बताइए क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि फर्दर डिसाइड के एप्लीकेशन कैन मेड टू द ट्रिब्यूनल फॉर द रिलीफ इन दी अबव अफेयर्स वर्स द इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड तो हाँ रिलीफ के लिए अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो ये सब चीज़ें के क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए ऐसा कहीं भी टू फोर्टी वन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते कंसेटिंग द टू ट्वेंटी सिक्स एंड टू फोर्टी वन इट कैन बी कंक्लूडेड डेट दो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हुआ है इट्स शैल नॉट बार द देंबर्स ठीक है और ठीक है ये बात आ गई है फिर आती ये बात, है बात स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोफेशनल इम्यूनिटी टू लीगल एडवाइजर अब लीगल एडवाइजर को प्रोफेशनल इम्यूनिटी मिली है अब लीगल एडवाइजर को प्रोफेशनल इम्यूनिटी कैसे मिली है प्रोफेशनल इम्यूनिटी मिली है टू ट्वेंटी सेवन से टू ट्वेंटी सिक्स की जो बात है वो अपन ने पढ़ ली है टू ट्वेंटी सिक्स के अंदर कि टू ट्वेंटी सिक्स में हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि वाइंडिंग अप केस में भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा इन्वेस्टिगेशन रुकेगा नहीं फिर आती है बात टू ट्वेंटी सेवन की तो टू ट्वेंटी सेवन में प्रोफेशनल इम्यूनिटी है लीगल एडवाइज़र को मतलब कि इम्यूनिटी ये है कि लीगल एडवाइज़र यू तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता प्रिविलेज कम्युनिकेशन टू ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ठीक है तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार को इंस्पेक्टर को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता प्रिविलेज कम्युनिकेशन बट हाँ नेम एंड एड्रेस तो कर सकता है बैंकर्स भी बाउंड है बैंकर्स भी बाउंड है टू डिस्क्लोज अफेयर्स ऑफ कस्टमर ठीक है तो बैंकर्स बाउंड है तो अफेयर्स ऑफ आफ कस्टमर अंडर इन्वेस्टिगेशन तो वो भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते पर खैर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटी द तो प्रोफेशनल इम्यूनिटी टू लीगल एडवाइजर एंड बैंकर्स तो सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस चैप्टर शेल रिक्वायर्डक्लोजर टू द ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर तो ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं तो कोई भी सेक्शन रिक्वायर नहीं करता है कि डिस्क्लोज करने को कोई भी सेक्शन रिक्वायर नहीं करता है डिस्क्लोज करने को टू ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर बाय अ लीगल एडवाइज़र तो ये सेक्शन जो है लीगल एडवाइजर को रिक्वायर नहीं करता है टू डिस्क्लोज मतलब लीगल एडवाइजर को डिस्क्लोज नहीं करना है कोई भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन दैट कैपेसिटी एक्सेप्ट क्या बोला है एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट एक्सेप्ट एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट नेम एंड एड्रेस ऑफ कर हो। बाय द बैंकर्स ऑफ द कंपनी इसको भी ऐसा ही है एनी कंपनी बॉडी बाय बैंकर्स ऑफ एनी कंपनी बॉडी कॉपरेट एन एनी अदरसन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ द आ कस्टमर द अफेयर्स ऑफ कस्टमर अंडर इन्वेस्टिगेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते अफेयर्स ऑफ कस्टमर जो है वन सेकेंड ठीक है डिस्क्लोज नहीं कर सकते अफेयर्स ऑफ कस्टमर अदर देन सच कंपनी बॉडी को ऑपरेटिव पर्सन उस कंपनी के अलावा उस कंपनी के अलावा किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता ओके सो आता है लास्ट सेक्शन सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन एंड लास्ट क्वेश्चन ठीक है सो सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन के ऊपर है ये क्वेश्चन अब क्या है क्वेश्चन डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्ट इंस्पेक्शन इक्वायर इन्वेस्टिगेशन डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट उसने कोई सा एक्ट किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्क्वायरीगेशन पर्सन हुक्वायर्ड टू मे स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी पसन हू इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट अगेंस्ट इट्स कंपनी इज अ पार्टी टू मैनुपले ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नेमिंग ऑफ होल्डर इज द इन द रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स बाय द कंपनी तो क्या बोला है डिसाइड करना है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी इज अ पार्टी टू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट द पर्सन जिसको स्टेटमेंट करना है इसको स्टेटमेंट देना है ज्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट इट्स कंपनी वो ही है पार्टी टू द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नेमिंग ऑफ होल्डर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो हमको ये चेक करना है कि लाइबल है कि नहीं है इस पर कोई लाइबिलिटी है तो सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन ऑफ कंपनी एक्ट दो हज़ार तेरह वेर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और मेक अ स्टेटमेंट जूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो वेर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अ पर्सन जो रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन वेर अ पर्सन हुइज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेन जिसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है या स्टेटमेंट मेक करना है जूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ठीक है तो उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है invest, और स्टेटमेंट uh, देना है जूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रिपल आई तो अगर जो पर्सन है जिसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है या उसको स्टेटमेंट मेक करना है इन द इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉपरेट विच इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन तो ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी या अदर बॉडी कॉपरेट सबके सब जो भी इन्वेस्टिगेशन में है ठीक है तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और अदर बॉडी को ऑपरेट ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन ठीक है अंडर इन्वेस्टिगेशन मेक डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट कंसील अनऑथोराइज रिमूव और इस पार्टी टू द डिस्ट्रक्शन म्यूटिलेशन फॉल्सिफिकेशन और कंसीलमेंट और टैम्परिंग रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट तो अगर डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट फॉल्सिफाई कंसील टैंपर अनऑथोराइज रिमूव ये अगर रिमूव करते हैं या पार्टी टू या तो खुद ही रिमूव करते हैं और इज अ पार्टी टू या तो पार्टी टू द डिस्ट्रक्शन म्यूटिलेशन फॉल्सिफिकेशन कंसिलइज रिमूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्रोपर्टीट एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी तो या तो खुद से ही डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट और फॉल्सिफाई कंसील टेम्पर और अनथोराइज रिमूव कर रहे हैं या तो पार्टी है उसके तो अनथराइज रिमूव कर रहे हैं ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी असेट्स एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड बॉडी कॉपरेट तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी असेट्स एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड बॉडी कॉपरेट तो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी असेट्स एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी और बॉडी कॉपरेट तो ऐसे केस में या वो पर्सन ये जो पर्सन है हु मेक रिक्वायर टू प्रोवाइड एक्सप्लेन या स्टेटमेंट और ऑफिसर अदर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी या बॉडी कॉपरेट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है विच इज़ ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन मेक्स और पार्टी टू मेकिंग ऑफ द फॉल्स एंट्री तो वही या तो वो मेक कर रहे हैं या पार्टी टू वापस ही आ गया कि ये मेक कर रहे हैं या पार्टी टू द फॉल्स एंट्री और प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन विच इज़ फॉल्स और ही नोस टू बी फॉल्स या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो फॉल्स है या नोन टू बी फॉल्स है तो मेक और पार्टी टू मेकिंग ऑफ अ फॉल्स एंट्री इन एनी डॉक्यूमेंट कंसर्निंग टू द कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट या मेक कर रहे हैं या पार्टी टू द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंट्री इन द डॉक्यूमेंट कंसर्न विद द कंपनी ऑफ बॉडी कॉपरेट या तो फॉल्स एक्सप्लेनेशन ठीक है प्रोवाइड कर रहे हैं फॉल्स एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन विच इज फॉल्स एनी ही नोज टू बी फॉल्स तो ऐसे केस में ही शेड बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन फोर फोर्टी सेवन एंड कंक्लूजन ये है कि अपन ने पहले केस में तो पढ़ लिया कि अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट अब देखो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इज अ पार्टी टू मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट तब सिंस पार्टी टू मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है तो ये अपने पार्टी टू है ना इधर क्या देखे रखा है पार्टी टू द मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट तो ये सेकेंड वाले इसमें आ जाता है और इस पार्टी टू ये फर्स्ट के ये वाले पार्ट में आ जाता है ठीक है तो इस पर एक क्वेश्चन है ठीक है और फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एन इम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी अब इम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी भी कवर है अपने तो ये भी देखा है कि कंपनी का इम्प्लॉय भी कवर है

क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में वापस देखते एम्लॉय ऑफ अ कंपनी पब्लिसाइज हिज सोशल नेटवर्किंग अबाउट साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इनसाइड देम टू परच द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन एक्चुअली कंपनी लॉस में थी तो इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन ये इंपॉर्टेंट है तो इंप्लाय लेबल नहीं है एज द सेट कंपनी इन विच ही इज एन एम्प्लॉय इज नॉट अंडर गोइंग इज ऑल्ज ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन ये होना जरूरी है अगर इफ नॉट गोइंग इन्वेस्टिगेशन ठीक है द सेकेंडलीसन परचेजिंग द शेयर शेल एक्ट विद ड्यू डिलीजेंस बिफोर परचेसिंग शेयर राधर देन फुली रिलायंग ऑन द पब्लिसिटी मेड ऑन द सोशल नेटवर्किंग सामने वाले पर्सन को भी ड्यू डिलीजन रखना था राधर देन रिलायंग ऑन द पब्लिसिटी ऑफ द सोशल नेटवर्किंग सो इस तरीके से हमने जो ओवर किया है अब पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के सेक्शन सब पढ़ लेते हैं अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन में ऐसे घुमाए हैं इन्होंने इस टाइप ये वाले सेक्शन को हार्डली किसी ने कवर किया होगा एंड हैंस ये क्वेश्चन में हमको भी डाउट आ गया कि अब अपने क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनी पर्सन जो भी है ये कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इनको अगर स्टेटमेंट मेक करना है और स्टेटमेंट मेक करना है ठीक है और ये डिस्ट्रॉय कर देता है या पार्टी टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एसेट अफेयर्स ऑफ कंपनी बॉडी कॉपरेट या फॉल्स एंट्री कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी या बॉडी कॉपरेट या तो फॉल्स एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे के इसमें सब लाइबल है अब ये लाइबल किसमें में फोर फोर्टी सेवन में ही शेड बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड इन अ मैनर सेवन उधर कंसर्न पर्सन लाइबल है अब उधर क्वेश्चन में क्या इन्वेस्टिगेशन देख के रखा था इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग देखो देख के रखा है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी अब परसन इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का पेंडिंग होना जरूरी है तो इस तरीके से जो है हमने हमारे जो भी सेक्शंस uh, थे उस इंपॉर्टेंट सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन uh, थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं अब पॉइंट ये है कि इसमें से ना अब किस किस पे क्वेश्चन नहीं आया है अगर अपन देखा जाए तो पांच तरीके के इन्वेस्टिगेशन थे जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है कि कौन रिमबर्स करेगा जबकि फर्स्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिफ्रे करता है एंड देन फिर उसको रिमबर्स किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ्रे करता है देन इसको रिमबर्स किया जाता है ठीक तो है तो कन्विक्टेड पर्सन है टू द एक्सटेंट अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई करके रखा है तो कन्विक्टेड पर्सन रीम करता है या तो पर्सन जिसको ऑर्डर दिया है टू पे द डैमेजेस या कंपनी बॉडी कोऑपरेट या पर्सन इन हुज़ नेम प्रोसीडिंग बॉट एंड द अमाउंट सम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बाय इट ठीक है तो जो भी कंपनी बॉडी कोऑपरेट पर्सन है और इन हुज नेम प्रोसीडिंग बॉट तो जो भी अमाउंट सम प्रॉपर्टी जो भी रिकवर कर रहे हैं उससे तो फर्स्ट चार्ज जो है वो इस पर ही आता है तो इस पर क्वेश्चन नहीं था एक्शंस आफ्टर इंस्पेक्टर रिपोर्ट कि इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बाद क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं इंस्पेक्टर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था जबकि ये जो है पॉइंट्स ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है और इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बारे में तो चल एक बार क्वेश्चन है कि बाकी अगर देखा जाए इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन पे ठीक है सीजर 209 वर्सेस 220 पे क्वेश्चन नहीं है वो एक बार देखना रहेगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट है देन फिर बात आती है कि और दो सौ नौ वर्ष दो सौ बीस क्वेश्चन नहीं है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर उस पर भी क्वेश्चन नहीं है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर हो सकता है कि वो ईजी हो इसलिए क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अपने ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर विथ रिलेशन टू हमने वो रिपोर्ट्स तो देख लिया पर पावर्स में नहीं आया इन्वेस्टिगेशन मेंबरशिप पे इस पर क्वेश्चन नहीं है इन्वेस्टिगेशन मेंबरशिप के रिस्पेक्ट में बाकी तो ऐसे फाय इन सब पे क्वेश्चन हैं तो इस तरीके से जो है हमने इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के वो सेक्शन देख लिए जिस जिसपे क्वेश्चन नहीं थे वो उसको एक बार गो थ्रू करने का रहेगा एंड जो जिस जिस पे क्वेश्चन थे हमने उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है और इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर ये ओवर होता है आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा और मे भी देखो हो सकता है कि इसमें कुछ एनिमेशन नहीं है और फेस भी नहीं है तो थोड़ा बहुत लग सकता है कि यार धीरे चल रहा है या थोड़ा सा मोनोटोन लग सकता है बट यही है कि अगर आप फॉर्म करके अगर आप बैठ रहे हो और अगर आप उसको कवर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो से आप जो सारे सेक्शन है से उसको तरीके से आप कर सकते हो फिर बचे हुए दो तीन सेक्शन ही बचे रहेंगे जिसको आपको कवर करना रहेगा तो थैंक यू होपसो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी लाइक शेयर तो चल चलो ठीक है वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा बट जो भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हैं ना प्लीज़ वो एक बार आ, बता दीजिएगा ताकि वो हेल्प करेगा मेरे को फर्दर वीडियोज़ बनाने में थैंक यू